भाई सावधानियां तो यही है अपनी सिस्टम जैसे से चलना जैसे मैं मान लो आपसे सलाह लेना चाहूंगा भाई, मैं डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहता हूं, तो मैं कैसे शुरुआत करूं, क्या ध्यान रखूं? भाई आप स्टार्ट के अंदर 3 पशु ताजा लेके आओ। ठीक है, जैसे आज आपने स्टार्ट किया है 3 पशु ताजा लेके आए, ठीक है, उसके बाद 3 महीने उसकी दुआई की, अगले 3 पशु ताजा लेके आए, जो आपका 20-50 kg दूध था तो आपको हर 12 महीने 50 kg दूध रखना है। मतलब 3 महीने दूध दिया 3 पशुओं ने, फिर हम 3 पशु लिए और ताजा लिया है, ताजा वो लिया। ड्राई होते आएंगे, ड्राई, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, उनको सेल भी कर सकते हो दाम लग गए तो, ठीक है, बट आपके पास मैन पावर है लेबर की तो रख लो, ठीक है, नहीं तो उनको कुछ दाम घटा के सेल कर दो, उनसे कमाए अब उनसे कमा लोगे, फिर वो थोड़े ड्राई होंगे तो अगले 3 ले आओ, फिर 3 महीने बाद, मतलब 3, हाँ ठीक है, गैप दे दे के लेके आओ, क्यों आपका दूध का पैसे की इनकम की ना रूटीन बरोबर रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जब तक 1 लाख सेविंग हो जाए फिर अगला ले आओ। ज्यादा कर्जा करके फॉर्म करना गलत है, ठीक है, आपने लिमिट में 4 पशु 5 पशु से ही 10-15 पशु हो सकते हैं, एक बार आप बड़ा काम करोगे तो गलत। आपने शुरुआत कैसे की, आपने घर घर जाके पहले पूछा? पहले फर्स्ट टाइम में 4 kg दूध लेके गया था, मतलब शुरुआत में सिर्फ लेके गए थे ऐसे ही? हाँ, पहले पहुँच कर आया था किसी के पास, भाई मैं दूध बोलो ठीक है, तो फर्स्ट दिन में 4 kg दूध लेके गया था, उसके बाद प्रतिदिन 10-15-20 ऐसे बढ़ता गया, तो मैंने 2 क्विंटल तक सप्लाई वहाँ दी, मैं किसी पड़ोसियों का भी दूध उठा के वहाँ लेके जाने लगा, भाई उसमें भी 2 रुपये बेनिफिट। मैं देवेंद्र कुमार आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया, तो थोड़ा सा ये बताएं आपने कितने समय पहले आपका डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया था? मैंने भाई 2017 अप्रैल में काम स्टार्ट किया था, स्टार्ट में मैं 2 बैच लेके आया था, उसके बाद 2 और लेके आया, 3 महीनों के अंदर मैंने 10-15 बैच से इकट्ठी कर ली थी, तो उन बैचों से मैंने काम किया। आप ये बताओ, डेयरी फार्मिंग का काम आपने शुरू किया था, क्या सोच के किया था? जॉब लग नहीं रही थी तो ठाली बैठने से अच्छा तो डेयरी का ही काम कर ले। बिल्कुल सही है, तो इस वजह से मैंने डेयरी का, देखिए डेयरी का जब हम फैट पे दूध देते हैं या फिर मान लो किसी कंपनी को दूध देते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें शायद आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, लेकिन आपका रिटेल का काम है, तो वो रिटेल का आपने क्यों सोचा कि रिटेल का काम करते हैं? जैसे कि मेरे पास 1 क्विंटल दूध है 4,000 का जाएगा, ठीक है, हम खुद सेल करेंगे तो वो 5,500 रुपये का दूध जाएगा, ठीक है, जो दिन की फीड बैकअप है वो सभी भैंसों की वो निकट आएगी, ठीक है, हम 1 घंटा मेहनत करेंगे तो, ठीक, और डेयरी में देंगे तो वो नहीं आएगी। बिल्कुल, हम जब हम किसी कंपनी को देते हैं या फिर मान लो फैट पे देते हैं तो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं आता है। नहीं आता है। तो आपके पास अभी वर्तमान में कितने पशु हैं कुल? मेरे पास समथिंग 14 पशु है। 14 पशु हैं, तो आपके पशुओं की क्या कंडीशन है, कितना दूध अपने डेयरी में उत्पादन है अभी? अब फिलहाल मेरे पास लगभग 1 क्विंटल से उच्चा है, 1 क्विंटल 10 kg प्लस में है। 1 क्विंटल 10 kg, जिसमें 62 पशु ज्यादा है मेरे पास। 62 ज्यादा है, तो आप ये बताओ सारा का सारा दूध आपका रिटेल में बिक जाता है? जी कम पड़ता है। कम पड़ता है जी। तो मतलब कितना और बढ़ा सकते हैं आप दूध वहाँ ले जाकर? मैं आइडिया से 2 क्विंटल तक सेल कर सकता हूँ। 2 क्विंटल तक जी। तो क्या लगता है आपको, ये काम काफी अच्छा है या इसमें नुकसान होता है, क्या संभावना है? जमींदारा के साथ में डेयरी फार्म का काम बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। जो बच्चे डोल रहे हैं बेरोजगार, उनको करना चाहिए। बिल्कुल, उनको डेयरी काम करना चाहिए। करना चाहिए। तो भाई आप जहाँ पे दूध बिक्री करते हैं वो कितना दूर है आपसे मार्केट वहाँ? मार्केट से 7 किलोमीटर दूर है बउआ से। बउआ जो आपका गांव कनीना से? 7 किलोमीटर कनीना शहर 7 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, तो आपने शुरुआत कैसे की, आपने घर घर जाके पहले पूछा? पहले फर्स्ट टाइम में 4 kg दूध लेके गया था। मतलब शुरुआत में सिर्फ लेके गए थे ऐसे ही? हाँ, पहले पहुँच कर आया था किसी के पास, भाई मैं दूध बोलो ठीक है, तो फर्स्ट दिन में 4 kg दूध लेके गया था, उसके बाद प्रतिदिन 10-15-20 ऐसे बढ़ता गया, तो मैंने 2 क्विंटल तक सप्लाई वहाँ दी, मैं किसी पड़ोसियों का भी दूध उठा के वहाँ लेके जाने लगा, भाई उसमें भी 2 रुपये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा मार्जिन हो जाता है। अच्छा ये बताओ भाई, दूध आपका 55 रुपये किलो बिकता है जी, तो इसमें खर्चा कितना आता है? खर्चा किस चीज़ का जी? पूरा डेयरी फार्म का, फीड का, आपके लेबर का, कुल कितना कॉस्ट आता है? मान के चलो आपका जैसे कि 1 लाख रुपए का दूध बिका। हाँ जी, मान के चलो ठीक है, तो पशु जब आपके पास लेबर है खुद की, हाँ जी, तो आधा खर्चा आधी बचत हो जाएगी। आधी खर्चा, हाँ, खर्चा और लेबर मैन पावर है तो आपके पास 50% मार्जिन 100% है। 55 रुपए किलो दूध बेच के 50% मार्जिन है, मार्जिन है, बशर्ते कि उसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, पशु टाइम पे गाबन होनी चाहिए, न कि भाई पशु नाट गया गाबन भी नहीं हुआ तो वो लॉस आएगा।
मतलब पशु प्रेग्नेंट टाइम पे होना चाहिए, आपको फीड मैनेजमेंट, पशुओं का मैनेजमेंट, रख रखाव खुद करना होगा, ये काम आना चाहिए अच्छे से। फीड देखना, किसी टाइम मक्का सस्ती होती है, हाँ जी, किसी टाइम गेहूँ सस्ते होते हैं, किसी टाइम बाजरा सस्ते हो, जो चीज सस्ती हो वही डालना शुरू कर देनी चाहिए, न कि भाई हम उस कंपनी के बंद जाएंगे, हम वो कंपनी के बंद के नहीं रहना चाहिए, हमें जो भी फीड सस्ती मिले वो डालनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक आपका फीड मैनेजमेंट, आपने डेयरी की कहीं से ट्रेनिंग ली थी या फिर वैसे ही मतलब आपको काम? नहीं, मेरा फादर पहले थोड़ा सा काम करता था भैंसों का, हाँ जी, तो बस उससे ही सीखा, उससे ही सीख लिया, उससे ही सीख गया था। और फीड वगैरह आप कैसे डालते हैं, अपने खुद की बना के? मैं खुद की, जैसे कि एक क्विंटल मक्का, एक क्विंटल बाजरा, एक क्विंटल गेहूँ, हाँ जी, तो उसको ग्राइंडर करके, हाँ जी, तो अपने उबाल के डालता हूँ मैं, मिनरल मिक्सचर, हाँ जी, ये कैल्शियम भाई पर भैंस को 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम कैल्शियम पर डे की, हाँ जी, वो सब के अनुसार मैं खुद बनाता हूँ। वो खुद बनाते हो? हाँ जी, मतलब वो पशु की फीड के अंदर डाल के वो देते हैं? हाँ बिल्कुल जी। तो फीड आप भिगोते हैं या उबालते हैं? उबालते हैं जी, उबाल के डालते हैं। तो एक पशु की आपके फीड की कितनी एवरेज आती है? लगभग 5.5 kg। वो दूध के हिसाब से कितना दूध पशु दे रहा है? जो 18 लीटर तक दूध है वो 6 kg फीड में बिल्कुल संतुष्ट है, जो प्लस है उसको 6 kg से 7 kg, 7.5 kg तक फीड। नहीं, जैसे कि मैंने सुना कि 18 किलो दूध है, 16 किलो दूध है, तो 50% फीड डालनी पड़ेगी, 8 किलो 9 किलो आपको फीड डालनी पड़ेगी। वो फीड देखी जाती है, कई बार क्या होते हैं लोग बाहर से फीड खरीद लेते हैं, उस फीड के अंदर दम नहीं होता है, ठीक है, यूरिया रहित फीड होती है, उसको कितना डाल लो कुछ नहीं, आप खुद फीड बनाओ, उसमें अच्छा मिनरल मिक्सचर दो, अच्छी कैल्शियम दो, ठीक है, अच्छी कंपनी कैल्शियम दो, तो आप जैसे 18 केजी दूध है तो आपकी 10-12 केजी ही फीड लगेगी बस, बस दोनों टाइम की। अच्छा आपने दोनों टाइम की फीड बताई? हाँ, दोनों टाइम की 12 केजी के समथिंग फीड है, 12 केजी इतनी इतनी लग जाएगी। अच्छा मिनरल मिक्सर की बात है तो कोई कंपनी का आप डालते हैं कोई स्पेशल, या फिर किसी कोई भी कंपनी की डालता है? वीरबैक कंपनी की या बायर कंपनी की? ठीक है, अच्छा कंपनी का यूज करना चाहिए। ये आपने यूज किया है? हाँ, ये यूज। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ये मैं किसी कंपनी के बारे में इसलिए पूछा कि बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, हाँ, कौन सी कंपनी का खरीदें, तो ये भाई ने यूज किया है बायर का, वीरबैक कंपनी का। अदरवाइज आप एक बार यूज करके देखिए अपने डेयरी फार्म में, जो भी यूज करना चाहते हैं तो आपको उसमें ज्यादा जानकारी हो जाएगी, यूज करेंगे तो ज्यादा आपको पता लगेगा भी एक्चुअल में कौन सा हमें मल्टीविटामिन या मिनरल मिक्सर देना चाहिए। कैल्शियम वगैरह भी आप अपने पशुओं को देते हैं? कैल्शियम देते हैं। कितनी मात्रा? 100 ग्राम, जैसे कि 18 लीटर दूध है तो उसको 150 ग्राम पर डे, ठीक है, 15 लीटर है 100 ग्राम, 20 केजी है 200 ग्राम पर डे, 20 केजी में 200 ग्राम पर डे 200 ग्राम कैल्शियम इतना देते हैं। मिनरल मिक्सचर का भी यही है, 20 केजी है तो 200 ग्राम पर डे, ठीक है, 18 केजी है तो 150 ग्राम, उसके नीचे है तो 100 ग्राम पर डे, ठीक है। ये रोज चलते रहता है? ये रूटीन में पशु नाट जाता है तो उसको भी हम 100 ग्राम पर डे देते हैं, 100 ग्राम देते रहते हैं जी। दूध कम होता है तब भी लगभग 200 ग्राम चलते रहता है, मिनरल मिक्सचर पक्का देंगे, ठीक है। अच्छा एक जब पशु खरीदते हैं आप, क्योंकि आपने 3 साल हो चुके हैं, आपने पशु बिक्री भी किए होंगे, खरीदे भी होंगे जी जी, तो आप खरीदते हैं तब क्या ध्यान करते हैं, पशु कौन से ब्यात में होना चाहिए, कौन से उसमें डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, मतलब किस समय उसको नाटना चाहिए, या क्या पोजीशन हो पशु की? भाई पशु खरीदते टाइम दो बातों का ध्यान होना चाहिए, एक तो मुर्रा पशु होना चाहिए, हाँ जी, कोशिश करके थन मुट्ठी आकार के होने चाहिए, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थी होना चाहिए, खून की कमी ना हो पशु के अंदर, भाई जाते ही हमें उसको चराना पड़े, जब हम ऐसे पशु लाते हमारे पास आते ही दूध दे, ठीक है, दुधारू पशु खरीदते हैं, जैसे चमड़ी सकीन नरम होनी चाहिए, बिल्कुल नरम होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए वैन है ना, ऐसे चमकती हुई होनी चाहिए वैन, ठीक है, तो वे दुधारू पशु के लक्षण होते हैं, ठीक है। और कौन से ब्यात का पशु लेते हैं आप, सेकंड टाइम, सेकंड या थर्ड ब्यात का, सेकंड या थर्ड टाइम, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आप दूध कितना एवरेज का मानते हैं, 14 किलो दूध है या 12 किलो, 18 किलो, कितने दूध का लेते हैं? हम लगभग 16+ का ही कोशिश करते हैं, 16+ का जी, तो उसका मूल्य और जानना चाहूंगा, कितने रुपए में आप खरीदते हैं? 16+ का अच्छे पशु लोगे जो 1,00,000+ के ही मिलेंगे जी, 1,00,000 प्लस के मिलेंगे, मतलब दूसरे ब्यात के आसपास पशु लेते हैं, हाँ जी, ठीक है। अच्छा दूसरा फिर बात आती है, आपके पशु आपने खरीदा फिर वो ड्राई हो गए तो उसको बिक्री करते हैं या फिर अपने पास ही रख लेते हैं? नहीं, ड्राई को पशु बहुत कम बिक्री करते हैं, अच्छे दाम लग जाते तो बीच में जैसे 2 महीना धुआई कर ली पशु की, हाँ, तो उस टाइम जैसे सोचा भाई 1,00,000 रुपए की आई, 90 की गई 95 की, तो उसकी ओवरेज निकाल के दे देते हैं, बिक्री कर देते हैं, बिक्री कर देते, ठीक है। तो आपके वहाँ जब पशु रखते हैं तो उस समय पशु हिट में आता है तो प्रेग्नेंट भी करवाते हैं जी, तो आप क्या डायरेक्ट क्रॉस करवाते हैं या फिर सीमेन रखवाते हैं? सीमेन रखवाते हैं। कौन सी नस्ल का सीमेन? सरकारी सीमेन में बहुत वीडियो मैंने कवर भी किया, लोग सरकारी सीमेन ज्यादा प्रेफर करते हैं,
तो दो तीन जेके कंपनी के सीमन आ रहे थे 3 साल पहले, बहुत अच्छा रिजल्ट था। हाँ जी। जब से जेके कंपनी ने सीमन छोड़े हैं उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट आने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो पहले हम जेके के यूज करते थे, पहले जेके के यूज करते थे। बाकी और कोई सरकारी सीमेंट जो अपने एनडीआरआई के हैं, नहीं रखवाए मैंने कभी, इनके कभी नहीं रखवाए आपने? वैसे भाई का मैं बताऊंगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है और ज़्यादा डीपली तो 3 साल से ही शुरू किया है काम करने, इन्होंने ज़्यादा पशुओं की संख्या रखना। पहले आप एक दो पशु रखते थे घर में? पहले एक दो पशु। ठीक है, तो भाई कोई युवा मान लो इस काम को शुरू करना चाहे, जी जी, ठीक है, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको? भाई सावधानियां तो यही है अपने सिस्टम, जैसे जैसे मैं मान लो आपसे सलाह लेना चाहूँगा भाई, मैं डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ, क्या ध्यान रखूँ? भाई आप स्टार्ट के अंदर 3 पशु ताज़ा लेके आओ। ठीक है, जैसे आज आपने स्टार्ट किया है, 3 पशु ताज़ा लेके आए, ठीक है, उसके बाद 3 महीने उसकी दुआई की, अगले 3 पशु ताज़ा लेके आए, जो आपका 20-50 kg दूध था तो आपको हर 12 महीने 50 kg दूध रखना है। मतलब 3 महीने दूध दिया 3 पशुओं ने, फिर हम 3 पशु ले आए और ताज़ा ले आए, वो ड्राई होते आएंगे, ड्राई, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, उनको सेल भी कर सकते हो दाम लग गए तो, ठीक है, बट आपके पास मैन पावर है लेबर की तो रख लो, ठीक है, नहीं तो उनको कुछ दाम घटा के सेल कर दो, उनसे कमाए अब उनसे कमा लोगे, फिर वो थोड़े ड्राई होंगे तो अगले 3 ले आओ, फिर 3 महीने बाद, मतलब 3, हाँ ठीक है, गैप दे देख लेके आओ, क्यों आपका दूध का पैसे की इनकम की ना रूटीन बरोबर रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जब तक 1 लाख सेविंग हो जाए फिर अगला ले आओ। ज्यादा कर्जा करके फॉर्म करना गलत है। ठीक है, आपने लिमिट में 4 पशु 5 पशु से ही 10-15 पशु हो सकते हैं, एक बार आप बड़ा काम करोगे तो गलत है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार तो सहयोग देती नहीं, सरकार तो कहने की है भाई हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं, जो बड़े डेयरी फार्म है उनको कुछ नहीं देती है, बिल्कुल ठीक है, ये देखते होती है। ठीक है, और क्या सावधानियाँ मतलब, और पशु खरीदते समय कोई सावधानी ऐसे रखनी चाहिए ऐसा कुछ? भाई अच्छे पशु क्वालिटी के पशु खरीदने चाहिए देखकर। बीमारियां वगैरह भी कोई इसमें आती हैं? हमारे पास तो बीमारी थनेला ज़्यादा कर होती है, तो भगवान दया तो मेरे पास थनेला वगैरह कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लाल दवाई का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे दूध काट दिया तो लाल दवाई से ठंड धो देने चाहिए, अपने हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अपना बर्ताव करता हूँ। ठीक है, अब बाकी रहा सुर्रा रहा बुखार रहा, ये अपनी नॉलेज में खुद रखने चाहिए। ठीक है, तो उसको खुद मेंटेन करोगे, डॉक्टर के से बचोगे, तो जैसे महीने में 10 बार डॉक्टर आया तो 5-7 हज़ार रुपये ले जाएगा, वे भी आपने ही अपना खुद ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी भाई ने, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण काम की जानकारी, तो आपका वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।